पाकिस्तान की नई साजिश, जोधपुर और आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से खरीदी और बेची जा रही है सरहद पार से आई ये अश्लील सीरीज। अश्लील भी क्या, इन्हें सीधे साधे ब्लू फिल्म कह सकते हैं। वो दौर बीती बात होती जा रही है जब सरहद पार से गजलों और कॉमेडी की सीरीज आया करती थी और लोग उनके दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं। अब ये बनती जा रही है पाकिस्तान की पहचान, संस्कृति के नाम पर अब यही सब पेश किया जा रहा है। जब मंसूबे नापाक हों तो इमेज की परवाह कौन करे। एक दौर ये भी था, सियासी हालात कैसे भी रहे हों, संस्कृति की पहचान इन दिग्गजों के हाथों में ही रही। गुलाम अली, मेहंदी हसन और आबिदा परवीन जैसे कलाकारों ने लाखों लोगों को अपनी आवाज से बांधे रखा। शोहरत का आलम ये कि इनकी मौजूदगी सरहद को बेमानी कर देती। कदरदानों को एक पल के लिए भी नहीं लगता कि ये कलाकार उस देश से हैं जिसके सियासतदान सिर्फ और सिर्फ तबाही का खेल खेलते हैं। अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, पहचान बदल चुकी है। हाँ, एक दो दफे मेरे पास मांगने आए थे ग्राहक, तो मेरे पास जो म्यूजिक डांस वाली सीडियां थी तो मैंने दिखाई उनको, वो बोले ऐसी ऐसी नहीं चाहिए, इसमें ऐसा ऐसा कुछ ज्यादा था, हम उसको भगा देते हैं कि हमारी संस्कृति के खिलाफ। उनको ऐसे ही था भाई, जो कोई सेक्सी हो जैसी जो अखबार में छपी ऐसी, इस प्रकार की मांग रहे थे। अश्लील सीरीज की बिक्री को ही अगर कामयाबी का पैमाना माने तो गजलें या कॉमेडी के वीडियो कम नहीं बिके। वो सीरीज भी कभी कानूनी तो कभी गैर कानूनी तरीके से सरहद पार लाई जाती थी, लेकिन उनके जरिए लोगों के दिल जुड़ते थे, दोस्ती गाढ़ी होती थी। अब दोस्ती की रेल के जरिए भेजी जा रही है अश्लील सीरीज, मकसद पर सवाल उठना लाजमी है। एक समय वो भी था जब भारत और पाकिस्तान के सांस्कृतिक रिश्ते आपस में एक दूसरे के पूरक थे। पहले भी पाकिस्तान के कलाकारों के कदरदान हिंदुस्तान में थे और आज भी है, चाहे मेहंदी हसन हो, फरीदा खानम हो, रेशमा हो और या फिर गुलाम अली, सभी की गजलें और कार्यक्रम खूब पसंद किए जाते थे। और उसके बाद में शुरू हुआ एक ऐसा दौर जब उसमें नाटक भी आए और वहां के पाकिस्तानी कलाकारों के नृत्य भी। लेकिन अब जो दौर चल पड़ा उसमें अश्लील सीडियां पूरे हिंदुस्तान भर में फैलनी शुरू हो गई है और तो और ऐसी सीडियों की डिमांड भी जोर से बढ़ रही है, यानी कि जिस्म का आतंकवाद और वो भी पाकिस्तान की ओर से। इसके आने वाले समय में परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। कैमरामैन दयाल सिंह सांकला के साथ राजीव कौर, जी न्यूज, जोधपुर। पाक के नापाक इरादे फिर से साफ हुए हैं, थार एक्सप्रेस के जरिए भेजी जा रही हैं अश्लील सीडीज। लेकिन खतरा संस्कृति को ही नहीं, देश की सुरक्षा को भी है। दोस्ती की रेल से ही आने वाली कई लड़कियां लापता होती जा रही हैं। माना जा रहा है कि उनके हुस्न का इस्तेमाल खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान से लगी भारत पाक सीमा, सरहद को महफूज रखने के लिए यहाँ तमाम एहतियात बरते गए हैं, लेकिन कटीले तार भी सरहद पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने में नाकाम रहे हैं। साजिश रचने वालों को तबाही का सामान भेजने के लिए इससे आसान रास्ता मुहैया कराया जा चुका है। थार एक्सप्रेस के साथ ही पटरियों पर दौड़ रही है पाक के नापाक मंसूबों की रेल। सीरीज के जरिए नीला जहर ही नहीं, जासूस लड़कियां भी आसानी से सरहद पार भेजी जा रही है। थार एक्सप्रेस को शुरू करने का मकसद था आवाम को एक दूसरे के नजदीक लाना, अपनों से मिलने का एक सस्ता और आसान जरिया मुहैया कराना। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती के लिए बड़े कदमों की कद्र नहीं की। इसके जरिए सरहद पार भेजे जाने लगे साजिश के मोहरे। आंकड़े गवाह है कि अब तक जितने भी लोग भारत आए उनमें से 1500 से ज्यादा वापस नहीं गए। उनकी खबर ना तो सुरक्षा एजेंसियों को लगी और ना ही खुफिया एजेंसियों को, लेकिन उनका कोई पता नहीं, उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कोई नहीं जानता। लापता हो गए लोगों में बड़ी तादाद युवतियों की है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक उनका इस्तेमाल जासूसी के लिए कराया जा रहा है।
मासूमियत को बेचा जा रहा है खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, ताकि पाक की साजिश कामयाब हो सके। वो नहीं जानती कि ये सिर्फ जासूस हैं या उनके जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया भले ही कितना नर्म रहा हो, लेकिन पाक के नापाक इरादे अटारी और थार एक्सप्रेस शुरू होने के बाद सामने आते रहे हैं। मुंबई बम विस्फोट में भी इसी थार के जरिए RDX लाने की सूचना भी IB को मिली थी। अब जब अश्लील सीढ़ियाँ आनी शुरू हो गई है, तो IB को एक बात का और अंदेशा है कि संभव है अब पाकिस्तानी युवतियों के जरिए जासूसी का काम कराया जा सकता है। कैमरामैन दयाल सिंह साकला के साथ राजीव कौर, जी न्यूज़, जोधपुर।